नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कार मोबाइल होल्डर अगर एक बार उतर जाता है तो दोबारा उसमें वो स्टिकनेस नहीं रह पाती है और वो लगाने के बाद दोबारा फिर उतर जाता है। तो इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि ये कार होल्डर जो है वो अब दोबारा काम नहीं करेगा, तो इसे फेंक करके दूसरा लेना चाहिए। इसको दोबारा लगाने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। क्या वाकई ये तरीका काम करता है, आइए देखते हैं। तरीके को आजमाते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई ये तरीका हमारे इस कार होल्डर पे अप्लाई हो पाता है या नहीं। इस तरीके में पानी को गर्म करके इसके सक्शन रबड़ को साफ करा जाता है। तो आइए हम पानी को गर्म कर लेते हैं। मैं कैटल का इस्तेमाल करके पानी को गर्म कर रहा हूँ। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी पानी को गर्म कर सकते हैं। अब पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। इस पानी को हम एक खुले बर्तन में डालते हैं, जिससे कि मोबाइल होल्डर का जो सक्शन वाली साइड है, जो कार में चिपकाई जाती है, उस सक्शन रबड़ को हम इसमें सही तरीके से डुबो पाए। इसे लगभग 20 से 30 सेकंड तक हम इसको डुबोते हैं, ताकि इसका जो रबड़ है वो थोड़ा सा नरम पड़ जाए और इसके ऊपर जो भी पार्टिकल जमा हो गए हैं उसको हम साफ कर पाएं। अब इसको हम अच्छी से डुबो करके और नरम कर लेते हैं। नरम करके एक कपड़ा देते हैं और कपड़े से इसको साफ करते हैं। साफ करते समय ध्यान दें कि इसमें अपना हाथ ना लगाएं और कोशिश करें कि ये अच्छी से साफ हो जाए। बेशक कपड़े को दोबारा से आप हल्का सा गीला करके इसको साफ कर लें। इसमें कोशिश करें, कोई चीज़ आप आँखों से जो आप देख सकते हैं कि इस पर कुछ लगा ना रहे, बिल्कुल अच्छे से ये क्लीन हो जाए। बस इसी चीज़ का आपने ध्यान देना है कि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। क्लीन होने के बाद जब आप कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे और आप देखेंगे इस पर किसी तरह का कोई पानी नहीं रहा, तो उसको आप थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे, या अगर आप ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली आप पंखे के नीचे भी इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ये जब पूरी तरीके से सूख जाए, ये सूख गया है, तो इसे लेकर के हम चलते हैं कार में और लगा कर देखते हैं कि क्या ये तरीका जो है वाकई काम करता है या नहीं। देखिए, इसको लगाने से पहले ना जो लगाने की पोजीशन है उसे आप अच्छे से क्लियर कर लें, साफ कर लें उसको। पहले गीले कपड़े से साफ कर लें, गीला करके साफ कर लें, उसके बाद उसके कपड़े की सूखी साइड से भी उसको साफ कर लें, ताकि उसमें ड्राइनेस रहे, वो गीला ना रहे, किस तरह का पानी ना रहे। उसके बाद इसकी पोजीशन को आप देख लीजिए, जिस पोजीशन पे आपने इसको लगाना है वो पोजीशन सेट करके इसको चिपका के ऊपर की तरफ लगा के कांच की तरफ, तो इसको अच्छी तरह ऊपर प्रेस कर लें, ताकि इसमें किस तरह कोई हवा ना रह जाए। और अब हमने इसको लगा लिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से लग गया है, जबकि ये पुराना जो होल्डर था, इस तरीके से ये बार बार गिर रहा था तो इसको फेंकना पड़ जाता, लेकिन इस तरीके से ये तरीका जो है ये काम कर गया है और अच्छे तरीके से ये लग गया है, तो ये दोबारा यूज़ हो सकता है। तो आप भी इस तरीके से अपने कार मोबाइल होल्डर को आप दोबारा लगा सकते हैं। धन्यवाद।